अगर बच्चों कमज़ोर है तो जाहिर है कि इसके चिपकने के चांसेस या इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होंगे और मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नाउ एम्ब्रियो की क्वालिटी का असेसमेंट कैसे किया जाए? नाउ पहली बात है, जब हम एम्ब्रियो की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं। एक, एम्ब्रियो दिखने में कितना फिट है, जिसको मॉर्फोलॉजिकल फिटनेस बोलते हैं या मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग बोलते हैं, एंड सेकेंड, एम्ब्रियो जीनेटिकली या इंट्रेंसिकली कितना स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी हम एम्ब्रियोज़ को पहले माइक्रोस्कोप में देखते हैं एंड उसके अपियरेंस के बेसिस पे उसका ग्रेडिंग करते हैं कि ये एम्ब्रियो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। एम्ब्रियो जो ए ग्रेड के होते हैं ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं और इनका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, बट बी ग्रेड एम्ब्रियोज भी सक्सेसफुल आउटकम दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो एम्ब्रियोज के जीन्स या डीएनए का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम्ब्रियो दिखने में सुंदर है बट अगर वो जेनेटिकली वीक है तो ये इम्प्लांट होने वाले नहीं है। अगर जेनेटिकली वीक एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर डाले तो या तो यूट्रस ही इसका अपटेक नहीं करता है या कभी कभी आगे कैरी ऑन होके मिसकैरेज में भी जा सकते हैं। नाउ इसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं? इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, यानी जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, यदि ये एम्ब्रियोज 3 दिन के बदले हम लैब में 5 दिन तक ग्रो करें तो जो जेनेटिकली वीक एम्ब्रियोज है ये कई बार पेरिश हो जाते हैं, यानी ये नेचर का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, ये 5वें दिन तक सर्वाइव नहीं करेंगे। बट जो एम्ब्रियो 5th डे तक सर्वाइव करते हैं ये जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं, इनके इम्प्लांटेशन चांसेस मार्जिनली हायर होते हैं और मिसकैरेज के चांसेस कम होते हैं। सेकेंड, जहाँ पे पेशेंट की एज ज़्यादा है या पेशेंट के फैमिली में कोई जेनेटिक एलिमेंट की हिस्ट्री है तो इनमें जेनेटिक बायोप्सी किया जा सकता है एम्ब्रियो का। ये 2 किस्म के होते हैं, 1 इज़ इन्वेजिव जेनेटिक स्टडी एंड सेकेंड इज नॉन इन्वेजिव जेनेटिक स्टडी। ये दोनों डिटेल डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जो हम सब्सिक्वेंटली फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट अक्सर एम्ब्रियोज के जरिए उनका डीएनए एनालिसिस डिटेल में किया जा सकता है एंड इसमें जो हेल्दी एम्ब्रियोज है उसको सेपरेट करके हम यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं और जो जेनेटिकली वीक एम्ब्रियोज है उसको डिस्कार्ड किए जा सकते हैं। तो इस जरिए हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी थी कि नहीं। सो अगर हमारा फेल हुआ है IVF साइकिल तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग क्या थी, क्या ये ए ग्रेड एम्ब्रियोज थे, बी ग्रेड एम्ब्रियोज थे या सी ग्रेड एम्ब्रियोज थे एंड ये डे 3 पे ट्रांसफर हुए थे या डे 5 पे एम्ब्रियोज ट्रांसफर हुए थे, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। विद दैट आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो एंड थैंक यू, एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।